नमस्कार, मैं राजू आज आपके सामने लेकर आ रही हूँ कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और डूबे हुए धन को वापस लाने के लिए। बहुत सारे टोटके हैं जिनमें से हम कुछ न कुछ उपाय करके अपना डूबा हुआ धन वापस ला सकते हैं। ये जो मैं टोटका बताने जा रही हूँ ये ऐसे व्यक्तियों के लिए है कि जो बहुत ढीढ़ है, जो हमारे किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा है, हमें पैसा नहीं लौटा रहा है। तो ऐसे आदमी के पास से हम अपना पैसा कैसे वापस ले, तो ऐसे आदमी के लिए एक टोटका है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो जला हुआ कपूर है उसकी जो काली मैश है, तो उससे हम एक भोजपत्र पे उसका नाम लिखेंगे या फिर एक पन्ने पे हम वो बंदे का नाम लिखेंगे और वो पन्ना हम किसी भारी वस्तु के नीचे दबा देंगे और यही चीज वो बंदा कहीं ना कहीं अपने में दया भाव लाएगा और वही दया भाव हमारा पैसा हमें वापस देने में मदद करेगा। क्योंकि किसी भी भारी वस्तु के दब जाने से वो बंदे को अपना किया हुआ जो भी कर्म है उसका एहसास होने लगेगा। ये बहुत कारगर और अनुभव से टोटका है। अगर जो ये करते हैं तो उसका डूबा हुआ धन ऐसे ढीठ व्यक्तियों के पास से हम वापिस ला सकते हैं। अगर किसी कारणवश कोई ये टोटका नहीं कर पा रहे तो उन लोगों के लिए मैं दूसरा टोटका बताना चाहूंगी जो बहुत ही अनुकूल है, जिससे सूर्य देव को हम प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं। तो ऐसे प्रतिदिन जब जल चढ़ाते हैं तो एक लोटा पानी लेते हैं, उसमें हम 11 लाल मिर्च के दाने डालेंगे, उससे हम जल चढ़ाएंगे और वो जल चढ़ाते समय हम जाप करेंगे ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। ऐसा बोलते हुए पूरा जो जल हम समर्पित सूर्य देव को करते हैं, उसके बाद हम अपने डूबे हुए धन की वापसी की कामना करेंगे कि हे सूर्य देव, हमारा जो धन है ये जिन जिन व्यक्तियों के पास है वो हमें वापस करे, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। ये टोटका भी अनुभव सिद्ध है और इससे हम अपने सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो ये टोटका आप करिए और अपनी जिंदगी में खुशहाली लाइए। ऐसे ही नए टोटके लेके हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे और देखते रहिए राजवी के टोटके।